हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बहुत से पेंटर भाई कलर के एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, मगर उसे निकालने का तरीका कोई नहीं बताता, क्योंकि अभी जो हम कलर साइड का वर्क कर रहे हैं और करते भी हैं, तो नए काम पे जो वर्क करते हैं तो इसमें विंडो में जो गंज लग जाता है, जो प्लास्टर करते वक्त उस पर जो मिट्टी प्लास्टर का रेती का जो मिश्रण गिरता है लोहे के ग्रिल के ऊपर, तो उसे निकालने का तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, बताती भी है बहुत से लोग मगर सही ढंग तरीके से नहीं बताते हैं। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इसको निकालने का तरीका किस तरह का है, मगर इसमें आपको आपका सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें लगने वाली है। एक रुमाल लगेगा आपको नाक के ऊपर, जो आपका श्वास लेते हैं, इसे आप रुमाल आपको मुंह पे काफ़ी अच्छे तरीके से बांध लेना है, और आपको आई प्रोटेक्शन के लिए आपको एक गॉगल्स चाहिए जो आँखों के ऊपर लगेगा आपके, और इसके बाद में एक बिसलरी बॉटल लेना है आपको, उसे एक छेद करके ढक्कन में छेद करके उसमें व्हाइट कैट एसिड आता है आपको मार्केट में हार्डवेयर के ऊपर, आप पूछ लेना हार्डवेयर वाले से, व्हाइट कैट एसिड जो होता है फ्लोर वॉश का जो फर्श के ऊपर डालते हैं मिस्त्री लोग, तो वो लेके आप उससे बॉटल में बिस्लरी बॉटल में भर के उसका जो ढक्कन है बिस्लरी बॉटल का उसे छेद छोटा सा सुराख गिरा के, वो सुराख से आप जो उसका जो एसिड होता है वो एसिड को आपको धीरे धीरे जो लोहे के रॉड है आपका जिसपे ये मिट्टी रेती गिरा है सीमेंट का मिश्रण गिरा है उसके ऊपर डालते चले जाना है, और 2-5 मिनट के बाद में और उस वैसे ही रिपीट करना है। तो उससे क्या हो जाता है, जो सीमेंट है वो पूरा मिट्टी जैसा गिल जाता है, और बाद में से तार के ब्रश से या लोहे की पट्टी से आप इसे आराम से खुरेद सकते हैं, और उसे क्रैश करने के बाद में तार के ब्रश से क्रैश करेंगे तो काफ़ी आसानी से आपका निकल जाएगा, नहीं तो आप ऐसा डायरेक्टली निकालेंगे तो ये जल्दी नहीं निकलता है। और इसका दूसरा ये भी तरीका है निकालने का, जो हमारा एंगल ग्राइंडर आता है उसके ऊपर गोल्डन कप ब्रश आता है, वो कप ब्रश बिठा के भी आप इसे काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और एक तीसरा तरीका बताऊंगा मैं आपको कप ब्रश की जगह, तो इसमें एक फ्लैप डिश आता है एंगल ग्राइंडर को बिठा के, फ्लैप डिश बिठा के भी आप इसे काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप 3 तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे, जिसे मशीन चलाना नहीं आता है तो वो एसिड से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर एक चौथा तरीका और भी है, इसे एनसी थिनर, थोड़ा एनसी थिनर डाल के इसे लूज कर सकते हैं, जो मारुति 2000 नाम से आता है, ये एनसी थिनर आपको पेंट शॉप के ऊपर मिल जाएगा। तो इसी तरह भी आप इस पेंट शॉप को निकाल सकते हैं, जो मिट्टा है मिट्टी लगी है रेती का मिश्रण है इसे, और कलर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो व्हाइट कैट एसिड याद में रखना, ये आप हार्डवेयर वाले से पूछेंगे बोलेंगे तो ये आपको दे देगा। तो इसी तरह आप जो भी आपके विंडो पे ग्रिल पे लोहे के ऊपर जो सीमेंट मिट्टी गिरी है उसे आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यही बात मैं करना चाहता था दोस्तों, धन्यवाद।